मिनट स्टाइल चिकन, और ये चिकन जो है खाने में बहुत मज़ेदार होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। आप इसे ट्राई कीजिएगा, और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन जो है वो लिया है, और कुछ दूसरा चिकन भी लिया है, लेकिन ज़्यादा मैंने इसमें बोनलेस चिकन यूज़ किया है। और होगा जो मीडियम साइज मैंने अनियन लिए थे उनका मैंने पेस्ट बना दिया है, जो लार्ज मैंने टमाटर लिए थे उनको मैंने चिप्स में कट कर लिया है। इसमें हमें चाहिए होगा हाफ कप जो है मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने 125 ml जो क्रीम है, मुझे 1/4 कप चाहिए, तो मैं इसमें ये हाफ ऐड करूँगी क्योंकि ये हाफ कप है, ऑल पर्पज़ की क्रीम है, आप चाहे कोई दूसरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं हाफ कप दही यूज़ करूँगी, और लहसुन पेस्ट लिया है 1 tbsp ही मैंने इसमें, अदरक का पेस्ट लिया है 3/4 tbsp, मैंने नमक लिया है 3/4 tbsp, मैंने सूखा 1 teaspoon भर के सूखा धनिया पाउडर लिया है, 1 teaspoon भर के मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर लिया है, 1/2 teaspoon हल्दी ली है, 1 teaspoon इसमें मैंने जीरा पाउडर लिया है, और 1 tbsp भर के मैंने कसूरी मेथी ली है, और 5 जो है मैंने ग्रीन चिलीज ली हैं। और चलिए ये से बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हम अनियन पेस्ट ऐड कर देंगे। इसमें अब अनियन पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे हमने तब तक जो है मिक्स अच्छे से करना है, फ्राई करना है जब तक ये जो है सोटे ना हो जाए और जो कलर है इसका हल्का सा चेंज ना हो जाए। इसे हमने लाइट गोल्डन या ब्राउन नहीं करना है। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। और टमाटर को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप इस रेसिपी को एज इट इज़ ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अब इसमें हम सूखा धनिया ऐड करेंगे, कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, नमक ऐड करेंगे, सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम पानी ऐड कर देंगे जैसे ही थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अब इसमें 1/2 कप मैंने पानी ऐड किया है। इसमें चिकन को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी एज इट इज़ ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी और आपको यकीनन खाने में बहुत पसंद आएगी। एक बॉयल का वेट करेंगे, जैसे ही बॉयल आएगा इसे हम कवर कर देंगे। बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और इसे हम मिक्स करके इसे ढक के रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। पाँच से दस मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम चेक करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो है इसे हम दोबारा कवर करके रख देंगे, अभी पानी है इसमें। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे
इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम और दही का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इससे जो है ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। अब इसे हम दोबारा से कवर कर देंगे। अब इसमें हम सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और जो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ सूखा धनिया मैंने पहले ऐड किया था और हाफ को मैंने अब ऐड किया है। और जैसे ही पानी ड्राई होगा तो ये अच्छे से रेडी हो जाएगी। और फ्लेम को मैंने फुल कर दिया है और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें और बिल्कुल तैयार होने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और बिल्कुल तैयार है हमारा मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन। और पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, बिल्कुल अच्छे से रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। और यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।